बिसम रहीम सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक हम ही हम रिसेंटली बात कर रहे हैं एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज जो कि रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स को यूज़ करते होती हैं आई टोल्ड यू दैट दीज आर वेरी रेयर वन ये अभी करंट लेवल्स पे यूज़ हो रही हैं हाई ऑर्गेनाइजेशन पे न्यू फॉर यू इस पे आई विल रिक्वेस्ट यू कि जरा कंसनट्रेट करें डू ऑल्सो सम रिसर्च ऑन इट एंड स्पेंड सम टाइम ऑन इट बिकॉज कुछ चीज़ें काफ़ी बेसिक थीं बट दीज आर कोर एरियाज जो कि बहुत इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे और आपका लर्निंग अब हमें बहुत बिल्डअप कर रहे होंगे बिफोर वी गो टू मेन कोर स्ट्रेटजीज वी नीड टू रिकॉल बिट अबाउट द ऑप्शन कुछ हमने इस पर बात की हुई है हम इसकी फर्दर थोड़ी एक्सटेंशन ले कर अब मूव करेंगे ऑप्शन हैव एस मेस्ट पे ऑफ जिस तरह हमने पहले बात की थी फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स वो बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं एक का गेन होता है उतना ही दूसरे का लॉस होता है ऑप्शन में इट्स नॉट लाइक दैट इट कुड बी डिफरेंट सम मे बी कुड गेटिंग लॉट ऑफ गेन आउट ऑफ इट एंड अदर कुड मे बी लूजिंग लॉट बट द डिफरेंस इज देयर मैक्सिमम लॉस जो एक ऑप्शन वायर को हो सकता है वो ये है जो उसने प्रीमियम पे किया है उससे ज़्यादा वो लॉस इनकर नहीं करता बिकॉज उसके पास चॉइस है वेन इट्स ऑप्शन इट इज चॉइस पोटेंशियल गेन कैन बी इन सम केसिस इन्फिनिट यानी कि बहुत हाई लेवल के गेंस भी हो सकते हैं सेलर अगेन कोड इनकार लॉट ऑफ लॉसेज और उसको जो गेन होना है वो दैट इज मैक्सिम जो उसने प्रीमियम अर्न किया हुआ है तो ये बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये डिपेंड ऑन डायनमिक्स मार्केट मूवमेंट ये डिपेंड करेगा कि बायर्स और सेलर्स में ये क्या गेंस और लॉसेज आएंगे सो दैट्स वाई वी नीड टू स्पेंड अम लॉट मोर टाइम ऑन इसको समझने के लिए हमें कुछ इसकी डेमिनोलॉजीज को देखना पड़ेगा बिकॉज दीज विल बी यूज अगेन एंड अगेन इन ऑल द स्ट्रेटजीज इन ऑल द लर्निंग विच वी गोइंग टू डू एक्स जब नॉर्मली डिनोट होगा वी मीन स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइज जिसपे ऑप्शन एक्सरसाइज होगी एस इज नॉर्मली द प्राइस एट अ टाइम ये नॉर्मली स्पॉट रेट की बात हो रही है जब एस टी पे जाएंगे तो प्राइस एट द टाइम टी सी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ Call option and P will be refer for put option at time T. T इसमें डिनोट होता है टाइम जीरो भी हो सकता है और टाइम इन अ फ्यूचर पीरियड जिसके साथ भी आप नोटेट करेंगे उसको आप वो मैंशन कर होगा तो ये जरा थोड़ा सा इनको देख लें बिकॉज दे विल भी रिपीटडली यूज इन आवर फार्मूलाज एक ऑप्शन की वैल्यू बनती कैसे है एक ऑप्शन कितने का है जैसे एक कॉल ऑप्शन मिल रही है एक स्टॉक पे तो कितने की होगी उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं विच वी नीड टू नो स्ट्राइक प्राइस कि उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या है वेरी क्रिटिकल वन अगेन करंट लेवल ऑफ अंडरलाइंग जिस पे वो ऑप्शन बनी है उसकी इस वक्त प्राइस क्या है टाइम टू एक्सपायरेशन कितनी देर के पीरियड की बात हो रही है थ्री मंथ्स है थर्टी डेज है इवन इट कुड बी लॉन्गर और शॉर्ट वॉलिटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग जिस अंडरलाइंग पे आप अंडरलाइंग से मरा है कि आपने किसी शेयर पर ऑप्शन बनाई है या किसी बॉन्ड पर बनाई है तो उसकी अपनी वॉलेटिलिटी क्या है अगर बहुत वॉलेटाइल होगा तो उसकी ऑप्शन वैल्यू डिफरेंट होगी अगर बहुत स्टेबल होगा अंडर तो उसकी ऑप्शन वैल्यू डिफर करेगी फर्दर मोर एनअलाइज रिस्क फ्री रेट क्या है कि okay, इस वक्त रिस्क फ्री रेट क्या है बिकॉज दैट विल बी प्ले अ रोल इन द वैल्यूएशन ऑफ द ऑप्शन एनोलाइज यील्ड एक्सपेक्टिंग फ्राम अंडरलाइन कि जो अंडरलाइन है उसकी अपनी यील्ड क्या है जैसे कि स्टॉक है तो वो कितना डिविडेंड्स अर्न करता है कितना उसकी प्राइस अप्रिसिएशन है बॉन्ड है तो उसके क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं तो ये उसकी अंडरलाइन की यील्ड और एक और बात हमने पहले शायद आपको याद हो की थी कि यूरोपियन होते हैं और अमेरिकन होते हैं तो ये कौन सा ऑप्शन है ये भी डिटर्मिन करेगा इसकी वैल्यू को कुछ याद आता है आपको क्या था फ़र्क इन दोनों में ये मुल्कों के नाम नहीं है ये ऑप्शनस के नाम है तो इन प्रिंसिपल जब हमने बात की थी यूरोपियन कैन बी एक्सरसाइज एट मच्योरिटी अगर तीन महीने का है तो तीन महीने बाद एक्सरसाइज हो सकता है वेयर so, एज अगर अमेरिकन है दैट कैन बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द पीरियड एट एनी टाइम तो इसी तरह है। इसी लिए जो है ये अमेरिकन वाले की नॉर्मली वर्थ भी ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें आप एक आपके पास चॉइस ज़्यादा है कि यू कैन एक्सरसाइज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे मिलकर डिटर्मिन करते हैं कि एक ऑप्शन की प्राइस क्या होगी वैल्यू क्या होगी वो कितने प्रीमियम पे ट्रेड होगा ऑप्शन की वैल्यू को हम दो ग्रुप्स में प्लेस करते हैं कि ये जो एक हम इसे डिटर्मिन कर रहे हैं इट शुड बी फॉलिंग इन टू मेन कैटेगरीज डिटर्मिनेंट वही सारे हैं लेकिन ये टू कोर पार्ट्स हैं जिसमें वो स्प्लेट होती है एक है जी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू इंटरेंसिक वैल्यू से मुराद ये है कि उसका जो वैल्यूएशन है स्पॉट में जो उसका डिफरेंस है दैट विल बी रेफर टू एज इट्स इंटरसिक वैल्यू को रिलेट करेगा कि वो किस तरह हो रही है मनी हमने कहा था इन द मनी होता है एट द मनी या आउट ऑफ मनी तो जितनी मनी नेस होगी उसके मुताबिक उसकी वैल्यू डिटरमिन होगी ये कौन सी वैल्यू है इंटरनसिक वैल्यू और दूसरा पार्ट क्या है टाइम वैल्यू टाइम वैल्यू इज एडिशनल वैल्यू रिफ्लेक्टिव ऑफ वॉट माइट है बिटवीन नाउ एंड द पॉइंट ऑफ एक्सपायरेशन की तीन महीने की बात कर रहे हैं कि तीन महीने में क्या हो सकता है उस टाइम को जो कैप्चर कर रहा है वो टाइम वैल्यू तो ये दो कॉम्पोनेंट मिल के एक ऑप्शन की वैल्यू डिटर्मिन कर रहे होते हैं एन ऑप्शन इज इन द मनी इफ द लॉन्ग वुड ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम इमिजिएट एक्सरसाइज मतलब ये कि अगर मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है और मैं अगर अभी चाहूँ कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे तो ये ऑप्शन कही जाएगी कि ये इन द मनी है ऑप्शन इज इन द मनी इफ करंट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग जो यानी कि उसकी स्पॉट प्राइस है इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस मतलब ये कि मैं खरीद सक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक चीज़ साठ की खरीद सकता हूँ और मार्केट में वो अभी ऑलरेडी सेवेंटी की हो गई है यानी कि इमिजिएटली साठ की खरीदू सेवेंटी की बेच दूँ तो आई एम गेनिंग आउट ऑफ इट इसको कहेंगे हम ये इन द मनी है पुट ऑप्शन इज इन द मनी पुट ऑप्शन आपको पता है कि इट्स राइट टू सेल तो पुट ऑप्शन इज इन द मनी वेन द करंट स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस यानी कि आई कैन सेल अ स्टॉक फॉर हंड्रेड और मार्केट में भी वह है एटी फाइव का तो दैट मीन आईल बी हैप्पी आई कैन इमीजिएटली सेल इट एंड मेक एन एक्स्ट्रा गेन ऑफ फिफ्टीन तो ये पुट ऑप्शन इन द मनी तो ये जरा केयरफुली देखना है कि अब कॉल ऑप्शन की बात हो रही है या पुट ऑप्शन की एन ऑप्शन दैट इज़ नॉट इन द मनी विल हैव जीरो इंटरेंसिक वैल्यू क्योंकि देखें अगर स्टॉक है मार्केट में जिस तरह भी हमने एग्जाम्पल पिछली बात की अगर उसको हम फर्दर इन्हांस करके बात करें कि अगर अगर स्टॉक इस वक्त मार्केट में है फोर्टी का और आपके पास राइट है यू कैन बाईट एट फिफ्टी तो फिर आप चालीस वाली चीज़ पचास की तो नहीं खरीदेंगे तो दैट मीन उसकी इंटरेंसिक वैल्यू एज सच कोई नहीं है लेकिन ये तो आज की बात है ना कि स्टॉक 40 का है और आप 50 का खरीद सकते हैं लेकिन अगले तीन महीनों में क्या होगा वी डोंट नो तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू तो शायद जीरो हुई लेकिन टाइम वैल्यू कुछ होगी इस वजह से उसका कुछ प्रीमियम स्टिल एग्जिस्ट करेगा कि हो सकता है एक महीने बाद ही स्टॉक सिक्सटी का शूट कर जाए और आप फिफ्टी की आपके पास प्रोविजन है तो यू कैन गेन आउट ऑफ इट कॉल ऑप्शन इज जो है आउट ऑफ मनी कब होगी जब वो जो आपकी अंडर लाइंग है दैट इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस बिकॉज वो आउट ऑफ मनी है जो भी हमने इसका केस डिस्कस किया अ पुट ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी इफ द करेंट स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस के मार्केट में अगर ज्यादा महंगा बिक रहा है तो फिर वो आपकी पुट ऑप्शन आउट ऑफ मनी है द सेम एग्जाम्पल वी जस्ट डिस्कस किया हमने उसको सिर्फ टेबलेट किया है फॉर यू जर्नल प्रिंसिपल जो हमें याद रखने वाला है कि अगर सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रखे जाएँ तो जिसमें हायर वॉलटिलिटी होगी तो उसका ऑप्शन प्रीमियम भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें गेन पोटेंशियल भी ज़्यादा है और अगेन उसका जो कवरेज मिल रही है वो भी ज़्यादा है तो इसलिए ऑप्शन का प्रीमियम भी ज़्यादा होगा और इसी तरह अगर टाइम टू एक्सपायरी कम होगा तो ऑप्शन प्रीमियम भी कम होगा यानी कि एवरीथिंग रिमेनिंग सेम दो ऑप्शन है एक एक महीने वाला एक तीन महीने वाला तो एक महीने वाले का जो वैल्यू होगी वो कम होगी और अभी इसको हम लेके कंटिन्यू करेंगे वी हैव टू डिस्कस अलॉड अबाउट दिस सो मेक श्योर इसकी एक अच्छी अब बेस बना लें दैट विल अंडरस्टैंड मोर इन द स्ट्रेटजीज टू कम थैंक यू